हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज आपको दिखाएंगे हम घर में मिक्स वेज सूप बनाना। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जो आपके पास अवेलेबल वेजीज हैं आप उससे सूप बना सकते हैं। मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत लोग यू नो कफ, कोल्ड और बुखार, ये सब चीज़ें बहुत हो रही हैं लोगों को। तो मेक श्योर आप ये रेसिपी को ज़रूर बनाएं अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी आपको दिखाते हैं, फिर आप भी बनाएं और सबकी सेहत का ध्यान रखें। इसके लिए मैं ले रहा हूँ 2 टमाटर, मीडियम साइज़ के टमाटर हैं आपके पास जो अवेलेबल हो। और फिर है मेरे पास कैरेट्स, अभी सीज़न आ गया है कैरेट्स का, तो साथ में है कैप्सिकम और एक अनियन। तो ये हम जितनी भी वेजीज हैं इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। ये है हमारे पास चॉपर, तो इसमें पीस के और हम इसमें बनाएंगे। इतने हम वाटर को बॉयल होने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे आप पर कप जितने लोगों के लिए आपने बनाना है, तो मैं यहाँ पे 6 कप सूप बनाने वाला हूँ। तो आप उतना मेजर करके पानी डाल दीजिए और वेजीज भी थोड़ा थोड़ा अपना पानी छोड़ेंगी, तो वो जब बॉयल होंगी तो वो सब बढ़िया फ्लेवर आएगा और बहुत ही हेल्दी होने वाली। गाइस मैंने ये सूप जो बाउल होता है उसको मेजर करके 6 कप वाटर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी स्पाइसेस डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगा और इतने मैं अपनी वेजेस तैयार करूँगा। जैसे ही ये बॉयल हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट होगा, हम इसमें सारी वेजेस डाल देंगे और उसे ढक के रख देंगे। तो गाइस अब मैं डालने वाला हूँ नमक, तो मैं पूरा 1 स्पून डाल रहा हूँ। तो ये आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और इसके साथ हम डालेंगे ब्लैक पेपर, ये भी आप अपने स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी हल्दी क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो ये ठंड के लिए बहुत ही अच्छी है और किसी को कोल्ड कफ हो तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो मसालों के लिए सिर्फ मैं ये बेसिक मसाले डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे वेजीज जैसे ही ये बॉयल होना स्टार्ट हुआ। मैंने रफली इसको चॉप कर लिया, चॉपर में हम इसको बिल्कुल बारीक पीसेंगे। तो आइए पीसते हैं। आप देख सकते हैं कितने ये बारीक पीस चुका है। तो एक एक करके सारी वेजीज को हम पीसेंगे और इसको हम सूप के अंदर डालना स्टार्ट कर देंगे। और इधर पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है तो आप डाल सकते हैं। सारी सब्जियां हमने डाल दी हैं और इधर हमने अब टमाटो की प्यूरी बना ली है, तो इस प्यूरी को भी ऐड करेंगे और फिर इसको बॉयल होने देंगे काफ़ी देर तक। तो गाइस सारी सब्जियां अब डल चुकी हैं, अब एक बॉयल देंगे इसको फुल और उसके बाद हम इसमें ये एक फाइनल मसाला डालेंगे जिसे बोलते हैं ओरिगैनो सीजनिंग, जो हम पिज़्ज़ा के लिए भी यूज़ करते हैं। सो ये हर्ब्स हैं बेसिकली, जिसमें गार्लिक, सॉल्ट, ओरिगैनो, बेसिल, ब्लैक पेपर, पेपरिका, चिली पाउडर, ये सब चीज़ें हैं। तो ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगी। तो हम इसमें थोड़ा सा ये मसाला भी डालेंगे, ये भी अपने टेस्ट के अनुसार, ये एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। और ये हर्ब्स हैं जो आपको बहुत ही फायदा करेंगे। कोई किसी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई MSG नहीं है, कोई फालतू का सॉल्ट नहीं है। यहाँ पे हमने पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज़ किया है तो टेस्ट भी मिलेगा। अभी देखिए बाज़ार के जो सूप्स होते हैं उनमें खूब सारे MSG डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। सो आप घर पे भी एक टेस्टी सूप बना सकते हैं। तो अभी आप देखिए ये बॉयल आना शुरू हो गया, तो इसको सिम करके अभी 15 से 20 मिनट हम इसको ढक के रखेंगे। सब ढक दिया है, अब इसको हमने रखना है 20 से 1 मिनट के लिए। तो आप किसी भी इसको बर्तन पैन में बना सकते हैं, बट आप इसमें अगर बनाते हैं, ये मेरे पास है एम्बे क्वीन, जिसकी क्वालिटी क्या है, स्पेशलिटी क्या है कि जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं सब्जियों के, ये सब लॉक कर देता है और इसके अंदर जितने भी यू नो टेक्सचर है सब्जियों का वो रहता है अंदर ही। तो उसकी वजह से क्या है कि गलती नहीं है सब्जियां बहुत ज़्यादा, और वो क्रंची भी रहेंगी, सूप का टेस्ट भी आएगा और आपको न्यूट्रिशन भी पूरा मिलेगा। तो आप देख रहे हैं जैसे शेक कर रहा है, तो ये शेक करने का मतलब ही है कि अंदर जो स्टीम है वो लॉक हो चुकी है। अब आप इसको 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारा सूप दिख रहा है। तो गाइस 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, लुक एट द कलर ऑफ द सूप, बहुत ही ब्यूटीफुल, बिल्कुल बाजार जैसा, टेस्ट भी बहुत अमेजिंग, कलर भी अमेजिंग, क्योंकि देखिए स्मेल भी बहुत अमेजिंग आ रही है।
तो ये रेडी टू यूज़ है, आप इसको बिल्कुल सर्व कर सकते हैं गरम गरम। एज आवर सूप इज़ फाइनली रेडी, आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग कलर है और इसका टेस्ट भी उतना ही अमेजिंग है। और आप जब इसको सर्व करेंगे आपके पूरे घर में अमेजिंग खुशबू हो जाएगी और बच्चों से लेकर बड़े तक सभी इसको पी सकते हैं। वेरी हेल्दी, फुल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और इस रेसिपी को पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करें, क्योंकि यू नो बाज़ार के पैकेट से लोग समझते हैं सूप अच्छा बनता है, ऐसा नहीं है। आप घर में भी अमेजिंग सूप बना सकते हैं। ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।